पुलिस तेरे रंग हजार, ये बातें पलामू में चर्चित हैं। कभी पीके सिद्धार्थ की कहानी, तो कभी एसपी कुणाल की चर्चा, तो कभी चर्चा में अनिल पाल्टा, तो फिर मैथ्यू सर के बाद महथा साहब की बात होती है। मगर आज जो बात हो रही है वो समाज को कानून सिखाते पुलिसिंग की हो रही है। जहां पकड़े गए तो चालान नहीं होगा, मगर रुपए आपके जेब से जरूर जाएंगे। अब आप पुलिस के साथ रुपयों की बात सुन वहीं केंद्रित ना होइए और दिमाग पर ज़्यादा जोर भी मत दीजिए, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके दिल की बात है। जी हाँ, पुलिस के हत्थे पकड़े गए तो जेब तो ढीली होगी, मगर फायदा आपको ही नहीं आपके परिवार और समाज का भी होगा। मैं हूँ प्रफुल्ल गिरी और आप देख रहे हैं झारखंड डिजिटल मीडिया का नंबर वन ब्रांड कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में देखिए सरस का सामाजिक कानून। ये तस्वीर आमतौर पर दिखती नहीं है, और जब दिखाई देती है तो बन जाती है जिम्मेदार खाकी वर्दी की निशानी। जहां आपको जिम्मेवार बनने की हिदायत भी देती है तो वहीं सिखाती है एक आदर्श नागरिकता का पाठ। मगर यहां तो आदत बन गई है भीड़ लगाने की, आपकी रक्षा के लिए बने कानून तोड़ने की, फिर पकड़े जाने पर शर्म हया छोड़ बहस करने की, या फिर पैरवी या पैसा का धौंस दिखाने की। परंतु यहां कुछ नहीं चलने वाला। ये आईपीएस अजय लिंडा की कप्तानी और रुद्रनंद सरस के नेतृत्व वाली पलामू की ट्रैफिक पुलिस है, जिसने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने का बीड़ा उठा लिया है। जिन्हें आभास है कि 3 महीने की छूट क्या मिली, जनता सीखने के बजाय और बिगड़ गई। अब उन्हें उन्हीं की भाषा में ट्रैफिक की पाठ पढ़ाई जाने लगी है, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार समाज भी सुख शांति से जिए। देखिए, हम लोग तो आज मतलब 28 तारीख से हम लोग चालू कर दिए चेकिंग। हम लोग 3-4 दिन अभी तक आज तक मैं जागरूकता ही कर रहा हूँ कि सबसे बेसी मेरा फोकस है हेमलेट पर। कोई भी व्यक्ति, महिला हो चाहे पुरुष हो, जो व्यक्ति मोटरसाइकिल टू व्हीलर चला रहे हैं, वह व्यक्ति किसी कीमत में हेमलेट का प्रयोग करें और नवाली को गाड़ी नहीं दें, ट्रिपल राइडिंग नहीं करें, ओवर स्पीड गाड़ी को नहीं चलाएं, अब किसी प्रकार का नशा का सेवन करके गाड़ी को खास करके एकदम नहीं चलाएं। भले ही पुलिसिंग प्रोफेशनल होती है, मगर जब सामाजिक कानून की राह पकड़ती है तो पलामू पुलिस का चेहरा सामने आता है, जो दिखाई पड़ रहा है एसपी अजय लिंडा की कप्तानी वाली पलामू पुलिस की कार्यशैली में। जब यातायात व्यवस्था के सुधार का जिम्मा यातायात निरीक्षक रुद्रनंद सरस को मिला तो चौक चौराहों पर बस यही भय है कि कहीं सरस साहब से मुलाकात न हो जाए। पर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ट्रैफिक इंचार्ज जेब से रुपए तो निकलवाते हैं, मगर उस रकम से अपनी जेब नहीं भरते, आपके परिवार के सदस्य को जीवन रक्षक खरीदवाते हैं। ना समझे, हेलमेट जनाब, जो बहुत जरूरी है दोपहिया वाहन चालकों को, व्यवहारिक ही नहीं कानूनन भी जरूरी है। तभी तो हेलमेट भी खरीदवाते हैं और कसम भी खिलाते हैं अपने परिवार की रक्षा के लिए हेलमेट पहनकर और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने की। खास करके कल हम जो है चेक इन 1 जनवरी को किए थे, मतलब करीब 150 गाड़ी चेक इन किए, उसमें लोग 10 गाड़ी में मात्र सीट बेल्ट लगाए थे, और ऐसे गाड़ी थे उसमें मतलब सीट बेल्ट को नहीं लगाए थे। हम सबको बताया कि आप लोग, आज आपको चेतावनी देकर हम छोड़ रहे हैं, कल से आप लोग को भी हम कार्रवाई करेंगे, समझे ना। दरअसल पहले 2-4 दिन नसीहत दी गई, फिर भी बिना हेलमेट के लोग कहीं और नहीं बल्कि जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में ही धड़ल्ले से और बिना कागज के सड़कों पर वाहन दौड़ाते रहे। चालान कटने की चेतावनी दी गई तो भी 50% तो सुधरे, मगर बाकी के शरीर पर चढ़ चुकी कानून को ताक पर रखने की मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। बस फिर क्या था, नसीहत बंद हिदायत शुरू। बात नहीं बल्कि हेलमेट खरीदवाते हैं और पहनाकर कसम खिलाते हैं कि आइंदा सड़क पर बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय साहब का ये अति है कि मतलब सभी को जागरूक करो, और इस संबंध में 50% हम लोग हेलमेट पहनना चालू कर दिए। बहरहाल ट्रैफिक इंचार्ज आरएन सरस की कार्यशैली प्रशंसनीय तब हो जाती है जब प्रोफेशनल पुलिसिंग को पसंद करने वाले पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के सुधार के निर्देश को वो सोशल पुलिसिंग के माध्यम से सुव्यवस्थित करने में दिन रात जुटे दिखाई पड़ते हैं। कभी भीड़ भाड़ वाले चौक चौराहों पर खुद से ट्रैफिक संभालते, तो कभी सिविल प्रशासन के साथ मिलकर सड़कों पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में महती भूमिका निभाते।
हर जगह आपको शहर में मिल जाएंगे लिंडा के कर्मठ सिपह सलार सरस, जिसका असर भी मुख्य मार्गों पर दिखने लगा है। यानी कल या परसों से हम लोग चालान काटना भी चालू कर देंगे। हम लोग अब दो तीन दिन इसलिए चाहे कि हम लोग चालान नहीं काटें, कुछ लोगों को पता नहीं है, है ना। 3 महीना पहले हम लोग चेकिंग कर रहे थे, चालान कट रहा था, सभी लोग इस बात को जान रहे थे। तो हम लोग अभी 3-4 दिन में या 2-3 दिन के बाद हम लोग चालान भी काटना चालू कर देंगे। कैपिटल न्यूज भी मेदिनीनगर समेत तमाम पलामू वासियों से निवेदन करता है, यातायात नियमों का पालन करना आपका कर्तव्य ही नहीं, जीवन का बचाव भी है। दर्द से अच्छा है दूरी, संभल कर चलें, हेलमेट और सीट बेल्ट लगा कर चलें, वरना रुद्रनंद सरस और उनकी टीम तो तैयार है ही।